पंजाब प्रदेश में कांग्रेस सरकार के राज्य में किसी को भी मौत के घाट उतारना या गुंडा तत्वों द्वारा जानलेवा हमला करना या करवाना मानो अब छोटी सी बात लगने लगी है। एक ताज़ा मामला जिला कपूरथला के गांव बंडाल दोना में डेरे पर रहने वाले गरीब किसान परिवार के मुखिया सुखविंदर सिंह के घर डेरे जाती बिजली की तार काट कर गाँव के गुंडा तत्वों ने तेज धार हथियारों के साथ जानलेवा हमला कर घायल किया, जिन्हें उपचार के सरकारी अस्पताल कपूरथला भेजा, जहां पर जिक्र योग है कि उन पर पहले भी हमला जानलेवा हो चुके हैं और उन पर चौथी बार हमला हुआ है। घायल सुखविंदर सिंह तथा उनकी पत्नी बलजिंदर कौर ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से इंसाफ की मांग की है। कपूरथला से निर्मल सिंह, आजाद टीवी न्यूज। तो मैं कणक बीज रहा खेत बच्चे आपके कोठे घर के मगरले बन्ने असी डेरे से रेंगे हाँ, तो ये आ के मेरे तेज हथियार ने हमला किया। हाँ जी, कंप्लेट दर्ज कराई है जी, हजे कोई कार्रवाई नहीं हुई। असि यह मांग करते हैं इंसाफ दवाया जाए सानू। हजे मारन की आरादा कतल का केस आ, कोई छोटी गल नहीं गी, थोड़ा मारे उन्हें हथिया उन्होंने सिर च मारन की, उन्हें बांह की, जे वह बांह ना करता तो वह सिर च ही बजना सी। ਇੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰ ਹਟੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਹਟਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।